हेलो एवरीवन सो टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर चैप्टर नंबर थ्री टाइटल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं हमने ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है ओके okay? एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं दे आर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ओके नाउ टूडे वी आर गोइंग टू लर्न वट आर द डिफरेंस बिटवीन डॉस एंड विंडोज़ मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो यू कैन सी एक साइड में डॉस है एक साइड में विंडोज़ के पॉइंट्स दिए हुए हैं सो वी विल लर्न वट आर द पॉइंट्स लेट्स गेट स्टार्टड फर्स्ट डॉस इज़ अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स डॉ सिर्फ एक कंप्यूटर या एक सिस्टम पे ही वर्क करता है नेक्स्ट साइड में आप देख सकते हो ये हो विंडोज़ विंडोज़ इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स विंडोज़ जब इंस्टॉल होता है तो वो एक से ज़्यादा कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं उससे ओके ना सेकेंड पॉइंट ओनली वन यूज़र कैन वर्क एट अ टाइम मीन्स एक ही यूज़र एक टाइम पे वर्क कर सकते हैं सिस्टम पे, यानी कि कंप्यूटर पे। एट द राइट साइड मेनी यूजर्स कैन वर्क इन डिफरेंट कम्प्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू अ मेन कम्प्यूटर मीन्स बहुत से यूज़र वर्क कर सकते हैं अलग अलग मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कम्प्यूटर्स पर जो कि एक मेन कंप्यूटर से कनेक्ट होता है ओके okay? विंडोज़ हमारा वर्क करता है अदर कंप्यूटर्स पर भी अगर एक कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो उससे कनेक्ट करके हम अदर कम्प्यूटर को भी यूज़ कर सकते हैं ओके न थर्ड पॉइंट यू नीड टू टाइप द कमांड्स मीन्स डॉस जब यूज़ किया जाता था तो उस पर लंदी लंदी कमांड्स राइट करते थे ओके okay? जब कमांड राइट करते थे तभी हमारा कंप्यूटर वर्क करता था नाउ विंडोज साइड यू कैन सी देयर आर रेडी मेड कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ मेनू एंड कैन बी अप्लाइड बाई अ माउस क्लिक मीन्स विंडोज़ में पहले से रेडीमेड मीन्स की पहले से उस पर रहता है कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ मेनू सिर्फ हमें क्या करना होता है माउस से क्लिक करना होता है दैट सेट हम माउस से क्लिक करते हैं हमारा कोई भी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है मीनस वन क्लिक की देरी होती है आप वन क्लिक में कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं बट डॉस में क्या करना होता है लेंदी लेंदी कमांड्स राइट करने होते हैं बहुत बहुत लेंदी होते हैं जिसको जिसको ज़्यादा लर्न होता था उस टाइम पे, उसको ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता था सो so, जो लेंदी कमांड्स होते हैं वो लर्न नहीं कर पाते हैं लोग ईज़िली इस वजह से क्या हुआ उसका वर्जन आया फिर चेंजेस आए इसमें फ़ीचर्स एड होते गए तो विंडोज़ आया Now the three most common operating systems for personal computers are Microsoft's Windows, Apple Macs, OS X and Linux. Here you can see the pictures. यहाँ पर आप pictures देख सकते हैं ये जो icons हैं ये बने हुए हैं ये हम जो Windows हैं operating system होते हैं ना उनके different different forms हैं means आप Windows देख सकते हो Mac OS X देख सकते हैं Linux देख सकते हैं जिसके अपने अपने icons होते हैं okay so ये हैं हमारे operating system these are our operating सिस्टम जब भी आप मार्केट जाएंगे अपना कंप्यूटर लेने या परचेज करने लैपटॉप तो आपको सबसे पहले विंडोज़ या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करना होता है मीन्स इंस्टॉल करना होता है उसके बाद ही ये वर्क करेगा ओके इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट विंडोज एंड प्लीज़ लर्न द डिफरेंस बिटवीन डॉर्ज एंड विंडोज ऑल्सो थैंक यू सो मच